हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो स्पेशली बीटीसी के कट ऑफ जो आएगा, डीएलएड 2019-21 का सेशन चल रहा है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम यहाँ पे यार डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम डाइट का करेंगे और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज के लिए करेंगे। तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए जानने वाली ये है कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर अधिकतर कट ऑफ बनाए गए हैं और उन कट ऑफ में कुछ भी ध्यान में नहीं रखा गया। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर का उठा लीजिएगा, और ये फैक्ट भी है कि जो बालक हैं मतलब पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं उनका कट ऑफ हमेशा उन्होंने कम रखा गया है महिलाओं का, पुरुष का ज़्यादा रखा है हर वर्ग में, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जो कला वर्ग है उसमें गर्ल्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं और जो विज्ञान वर्ग होता है उसमें बॉयज ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये फैक्ट है, आपने भी देखा होगा। जो नॉर्मली स्कूल्स होते हैं ज़्यादातर उनमें होता है क्या, कला वर्ग में जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, बॉयज़ होते हैं वो कम होते हैं। ऐसे ही विज्ञान वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बॉयज़ ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स कम होती हैं। और अगर प्रीवियस ईयर का उठा लीजिएगा, आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा कट ऑफ 2015-16-17-18, जो भी आप मारना चाहेंगे आप मार दे सकते हैं। और वहाँ से आप देखेंगे कि 2015-14 या 16, और उसमें आप देखेंगे कि जो वो निकलेगी ना मेरिट, उसमें आप कला वर्ग में और विज्ञान वर्ग में अंतर देखेंगे। एक बहुत बड़ा यही है कि आप इजीली पता कर लेंगे कि कला वर्ग में बच्चों का जो पुरुष है उनकी कम जाती है और महिलाओं की ज़्यादा जाती है। इसी तरह से विज्ञान वर्ग में अगर देखा जाए तो पुरुष की ज़्यादा जाती है, महिलाओं की कम जाती है। ये मेन फैक्ट है। अगर किसी वीडियो में यही चीज़ ध्यान में नहीं रखी गई तो फिर कट ऑफ में क्या है, आपका जो अंतर था मेन वही नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो कट ऑफ आते हैं वो फेक होते हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या एनालाइज किया हुआ है, सबसे पहले हमने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ था वो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का, जो पिछली वर्ष हुआ था 2018 वाला, उसको एनालाइज किया हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी देखी कि जैसे आपने देखा होगा फॉर्म पढ़ रहे हैं अभी इस टाइम, और उसमें कितना क्रेज है, यानी कि हम कह सकते हैं फॉर्म के आधार पर और बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर डीएलएड कितने करने जाते हैं, बीटीसी कितना। यहाँ पर अगर फॉर्म डाल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये सारे इंटरेस्टेड हैं डीएलएड या बीटीसी करने के। यहाँ पर आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी मेरिट 220-230 के आसपास है या 215 या 210 के आसपास है, वो लोग इसलिए फॉर्म डालते हैं कि उनको डाइट मिलेगा तो कर लेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। ध्यान रखना, आपने भी बीएड में क्रेज देखा होगा। देखिए, हमें यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है सबसे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर हमने देखिए कि बीएड को जब से फॉर्म आया था, पेपर हुआ उनका, पेपर से लेकर के एडमिशन तक पूरा सहयोग किया हुआ है, हर न्यूज छोटी से बड़ी प्रोवाइड कराई। अब उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको छोटी हो चाहे बड़ी प्रत्येक न्यूज मिलती रहेगी बीटीसी से रिलेटेड। उसके बाद आपको इस पर क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, जैसे कि हमने बीएड की जो बुक्स होती हैं वो पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दी, इसी तरह से हम आपके लिए भी बीटीसी की जो बुक्स हैं वो हम पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक आपके लिए अलग से ग्रुप बना देंगे, वो आपका टेलीग्राम ग्रुप हो जाएगा, जैसे कि हमने बीएड में किया हुआ है। आपको बीएड की तरफ पर बिल्कुल पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन और आपको पूरी गाइडेंस और पूरा पूरा सहयोग मिलेगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि आपको आगे का क्या प्रोसेस है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि आगे का प्रत्येक प्रोसेस क्या स्टेप रहेगा वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसलिए आपके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों, आप इधर उधर नहीं भटकेगा, क्योंकि लोग कुछ भी ध्यान में नहीं रखते, सिर्फ व्यू के लिए अपना वीडियो में कट ऑफ कम कर देते हैं, कोई कोई ज्यादा कर देता है सिर्फ व्यू के लिए। एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा, लगभग में क्या होगा वो हम बताएंगे, सटीक कट ऑफ इस बार, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि देखिए, यहाँ पर जो कला वर्ग होता है और विज्ञान वर्ग होता है, इन दोनों वर्गों में देखिए जो कला वर्ग होगा यहाँ पर पुरुष की कितनी जाएगी, यहाँ पर जो हम कट ऑफ बताएंगे आप ध्यान रख लेना, अगर आपकी मेरिट उससे कम है, जो भी हम बताएंगे जनरल में या ओबीसी में या एससी में या एसटी में, अगर आपका कट ऑफ उससे कम है तो आप डाइट का मतलब छोड़ दीजिएगा, उम्मीद बिल्कुल विचार छोड़ दीजिएगा कि आपको डाइट मिलेगी। और अगर आपका उससे ज़्यादा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप अपनी उम्मीद बनाए रखिएगा और आपको डाइट कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कला वर्ग, और इसी के साथ भी बात करेंगे हम विज्ञान वर्ग की भी। तो देखिए, पुरुष में जो हमारा जाने वाला है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कला वर्ग में।
तो कला वर्ग में हमारा जो पुरुष का जाने वाला है वो होगा लगभग में हमारा 220 के आसपास, ठीक है, कितना 220 के अप्रोक्स होगा। अगर यहीं में हम बात करें जो महिलाएं हैं उनका कितना हो जाएगा, तो जो महिलाएं हैं उनका जाएगा 225 प्लस, ध्यान रखना यहां पर प्रत्येक में हम यूज करेंगे इसमें प्लस का, यहां भी याद समझ लीजिएगा हम यहां पर यूज करेंगे प्लस का। रीजन ये है कि यहां पर इससे कम वाले का नहीं होगा, ज्यादा वाले का मतलब इससे ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, प्लस का मतलब ज्यादा, ठीक है। यहां पर फिर से अगर हम बात करें विज्ञान वर्ग में जनरल और ओबीसी पुरुष और महिलाएं कितना जाने वाला है, तो विज्ञान वर्ग में जो पुरुष का जाएगा वो अप्रोक्स में 227 227 प्लस जाने वाला है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम महिलाओं की बात कर लें जो वो है हमारा 220 प्लस के अप्रोक्स जाने वाला है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली जनरल में, इससे कम वाला उम्मीद ना रखे, इससे ज्यादा वाले की पूरी उम्मीद है, ठीक है। अगला बात करें अगर हम ओबीसी की, तो ओबीसी में जो जाने वाला है पुरुष का जो आर्ट में है वो 215 प्लस, ठीक है। और ये अगर महिलाओं की बात करें तो यहां पर महिलाओं का जाएगा 220 प्लस, 220 प्लस जाएगा यहां पर महिलाओं का होगा, 220 प्लस जाने वाला है महिलाओं का, ठीक है। अगर हम यहां फिर से हम बात करें पुरुष में, पुरुष की विज्ञान वर्ग की, तो विज्ञान वर्ग में जो मेल का जाने वाला है वो जाने वाला है 224 प्लस 224। अगर हम महिलाओं की बात करें ओबीसी में और वो भी साइंस वर्ग में यानी विज्ञान वर्ग में, वो जाएगी 217 प्लस। समझ गए होंगे वहां पे। देखिए यहां पर जो विज्ञान वर्ग है यहाँ पे पुरुष की हमेशा महिलाओं से ज्यादा दिखेगी आपको, और जो यहाँ कला वर्ग है यहाँ पुरुष की हमेशा महिलाओं से कम दिखेगी, महिलाओं की ज्यादा जाती है, ये फैक्ट है। अगला अगर हम बात करें एससी को कितने में मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एससी, तो एससी का अगर आर्ट वर्ग से है तो 205 प्लस अगर आपकी मेरिट है तो आप उम्मीद है पूरी पूरी आपको मिलने की, अगर इससे कम है तो बहुत कम ना रेयर चांस है कि आपको मिले, तो आप कह सकते हैं उम्मीद बहुत कम है। अगर हम वहीं बात करें महिलाओं की, तो इनका 210 प्लस है, तो ये बिल्कुल इज्जतबाज हैं। अगर यहां पर बात करें हम एससी में विज्ञान वर्ग में कितना जाने वाला है, तो जो विज्ञान वर्ग का होगा इनका एससी का वो होगा 218 प्लस, ठीक है। और यहां महिलाओं की बात करें एससी में, तो ये महिलाओं का विज्ञान वर्ग में जाने वाला है 214 प्लस, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी का जो कट ऑफ जाएगा कला वर्ग में वो 195 प्लस रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का। और महिलाओं का अगर बात करें तो 200 प्लस जाएगा। ये था कला वर्ग के लिए। और विज्ञान वर्ग के लिए अगर एससी की बात करें तो एससी का विज्ञान वर्ग में रहेगा 210 प्लस पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए रहेगा, और महिलाओं के लिए यहां पर रहेगा 205 प्लस। तो दोस्तों ये है आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कह सकते हैं हम कला वर्ग के लिए आपका, ठीक है। ये सारे कला वर्ग के पुरुष का है और ये विज्ञान वर्ग के पुरुष हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर रेड कलर में सारे के सारे पुरुष के लिए बनाया गया है, और वर्ग आप देख रहे होंगे इसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने देखा आज के हिसाब से कट ऑफ क्या रहेगा। और अगर इसके अलावा अगर आपका कट ऑफ इधर उधर है, अगर हम कह सकते हैं इसके इससे कम है 220 से, और अगर आप चाहते हैं कि आपको डाइट मिलेगा, आप फॉर्म डाल रहे हैं, तो आपके लिए ये रिस्क रहेगा। यहाँ पर कट ऑफ इतना कम नहीं जाने वाला, आपको विचार करके देखिएगा एक बार कि जो 80-85% वाले बच्चे हैं वो आ चुके हैं, इसमें शामिल हो चुके हैं, जिनका हाई स्कूल और इंटर में 80-85% है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मेरिट बनती है वो बनती है हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन की परसेंटेज पे, तो वो अगर परसेंटेज टोटल मिला के देखा जाए तो 80-80 ही मान के चल रहे हैं एवरेज में, ठीक है। तो 160 हो जाता है, और अगर 60 उधर लेके आ गया ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो ये यहाँ पर 160 और 60 की बात करें तो 220 हो गया। अब मिनिमम कट ऑफ अगर रख के देखा जाए तो 220 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कहीं देखा गया है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं ज्यादातर वो उनका एवरेज से ऊपर होते हैं, वो 85 प्लस हैं, तो इसीलिए जो विज्ञान वर्ग में जाता है वो 85 प्लस करेंगे तो 215
25 के आसपास या 27 के आसपास होता है, तो इसीलिए इनका ये जो एवरेज है वो लिया जाता है, तो इस तरह से ये कट ऑफ बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपकी हेल्प करें। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सेव करके रख लीजिएगा, और जिस दिन आपका कट ऑफ आएगा उस दिन आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।